लग जाते हैं। तो जैसे हमने पिछले बेसिक के क्लास में डिस्कस किया लैंग्वेज लर्निंग की इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज होती क्या है, इसको देखना है। एक छोटी सी बात मैं पहले देखे वीडियो में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको मतलब देखिए, मैं YouTube पे जो आता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मैं जो टीचिंग करता हूँ, ठीक है, वो मैं कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाता हूँ मेनली, ठीक है। तो मुखर्जी नगर में सेंटर है, ज़्यादातर आप में से जानते ही होंगे कि मेरा मुखर्जी नगर में सेंटर है और वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। और मैं मेनली डील करता हूँ उन बच्चों को जो कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, CDS, NDA, CGL, CPO, बैंक PO, बैंक क्लर्क, मतलब इन एग्जाम्स के बच्चे तैयारी करने वाले जो होते हैं, जिनको कॉम्पिटिशन का सिलेबस पढ़ना था, वो मेरे पास पढ़ने आते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो वो सिलेबस है ना, वो बहुत छोटा सा है और 3-4 महीने में हम ही लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसको सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, सारे उसके पॉइंट्स, सारे उसके कॉन्सेप्ट, सारे उसके क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने, समझने, जानने के लिए होता है। खास करके बात करें अगर हम क्लैरिटी की, कि जब वो बात हमें क्लैरिटी की करनी पड़ती है ना, तो हमें जानना बहुत कुछ पड़ता है। मतलब आप देखिए, पेपर देना एक चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को समझना और समझाना एक दूसरी चीज़ है, ठीक है। जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन करने में तो कोई लॉजिक वॉजिक क्या होता है, आपको तुक्का ही मार दो, पेपर हो गया। लेकिन उनको समझना क्वेश्चंस को, कि वो क्या है, और उनको समझ के करना, उसका एक मजा ही अलग होता है। उसको ये होता है कि भाई वास्तव में हम वर्थ हैं इस नंबर के, जो हमें नंबर मिला है ना, ये हमारी काबिलियत का मिला है, ठीक है। ये हमारी कोचिंग हमने ली थी इस वजह से नहीं मिला, हमने तुक्के मारे थे इस वजह से नहीं मिला, ये वास्तव में हम डिजर्व करते हैं इसलिए मिला। सभी को राम राम, सभी को राम राम, ठीक है। तो वहाँ पे ना बड़ा बंधा बंधा सा हम फील करते हैं, बंधा बंधा सा। ये जो मैंने आपके साथ में अनाउंस किया था ऐसे के लीड वगैरह लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें मेरी इसी लेंगी, मैं अपने को मतलब एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे क्लासरूम में क्या होता है, कॉम्पिटिशन के तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं। अच्छा, जो हमने अपने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, ठीक है, एनकॉम नाम से जो पढ़ाते हैं, वो भी कॉम्पिटिशन का ही सिलेबस डील करते हैं उसमें भी। लेकिन अगर हम मान लो उतने को भी सीखना समझना चाहते हैं, मतलब 100% क्लैरिटी के साथ में, अगर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें जाननी सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। अजा होता क्या, उतना डिटेल में अगर उन बच्चों के साथ डिस्कस करोगे तो वास्तव में उनके लिए वो चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन YouTube पे मैं कोई बाधाएं वगैरह नहीं मानता, ठीक है। मुझे लगता है कि YouTube पर मेरे पास ओपन स्पेस होता है, एक ओपन कैनवस होता है, और मैं जो भी बनाना चाहता हूँ, जितना भी बनाना चाहता हूँ, जितना भी डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनो जरूर, या आप मुझे फोर्स कर रहे हो, मतलब हम एक दूसरे को ऑब्लाइज नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर ना कुछ कमेंट्स वगैरह रहते हैं, कुछ बच्चा वगैरह रहता है, उसको रहता है कि इस तरीके से ये नहीं हो सकता, कंपटीशन का सिलेबस ऐसा नहीं होना चाहिए, तरीका ये नहीं होना चाहिए। वो भैया अपनी सलाह अपने पास रखा करो, मैं उन्हें मानता जानता नहीं हूँ, ठीक है। ये हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं। यूट्यूब पर मैं जो भी आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और मैं आपके साथ में काम की चीज़ें आपको मतलब एक डायरेक्शन, एक आपको मतलब तरीका दे सकता हूँ इंग्लिश देखने का, तो आप एंजॉय करो, ठीक है। नियम कानून यहाँ पर ना कोई लिमिट मैं बना के चल रहा हूँ, ना आप लिमिट बना के चलोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हम केवल कंपटीशन के लिए, यहाँ पे ऐसा भी नहीं हम केवल इसके लिए उसके लिए, हम इंग्लिश में क्लैरिटी के लिए, बस हमारा एक फोकस है इस चैनल पे अगर हम हैं तो हमारा एक सिंगल फोकस है कि इंग्लिश को हम बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ पाएं, देख पाएं, जान पाएं, ठीक है। लेवल उसका कहाँ चला जाएगा बातों बातों में, ये मुझे भी नहीं पता होता, और ये तुम भी नहीं लिमिट करके बैठोगे, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वो जो सिलेबस में पढ़ाता हूँ वो वहीं होता है। इस चैनल पे तो मैं फुल टॉस जो भी मन में आएगा डिस्कस करूँगा, ठीक है, जैसे कि मैं आज करने भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो खैर, फिर से सभी को राम राम लास्ट टाइम, और फिर हम शुरू कर देते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ सीखा, ठीक है। ये बोर्ड थोड़ा सा मुझे लगता है गीला रह गया, क्या साफ किया इसने, तो गंदा कर दिया। और तो खैर, अब उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा कि जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं और जिनसे हम डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनको हम वर्ड क्लासेस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं वर्ड क्लासेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर, ये सारी वर्ड क्लासेस होती हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हम वर्ड क्लासेस पढ़ते हैं, असल में ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो लैंग्वेज सीखने का मतलब उनके यूजेज ही सीखना होता है, ठीक है। और ठीक है, तो उनको सीखने का मतलब होता है कि
जो वर्ड क्लासेस हैं इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग उनके सब टाइप्स होते हैं, उनके यूजेस होते हैं, उनके अपने फंक्शन होते हैं सेंटेंस में, ठीक है, तो उनके अपने रोल्स होते हैं सेंटेंस में कि कोई पर्टिकुलर वर्ड टाइप है तो क्या काम करेगा, ठीक है, उन चीज़ों को थोड़ा हम लोग एक बार ऐसा इतना समझ लेते हैं कि उसके बाद में हमें क्लैरिटी आने लग जाए, ठीक है। तो आज जो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ठीक है, वो नाउन है। सबसे पहले मैं नाउन की शुरुआत कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे अगर हम नाउन की बात करें तो भाई नाउन के बारे में हमें क्या सीखना है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि नाउन जो होता है वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं। मतलब नाउन एक वर्ड क्लास है, हमें पता है कि नाउन जो है एक टाइप ऑफ वर्ड्स है, एक क्लास है वर्ड्स की। तो अब इतना पता चल जाने से तो काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब हमें फंक्शनल सेंटेंस में उसका फंक्शन करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें और भी चीजें जाननी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए कि ये हम डिटरमिन कैसे करते हैं टाइप, ठीक है, नाउन, और इसके फंक्शन क्या होते हैं सेंटेंस में, भाई इसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, और इसके क्या अदर एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, इसके इसका एक तो हम कैसे डिटरमिन करते हैं टाइप को नाउन का, ठीक है, ये हमें सीखना चाहिए, आना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस में इसके फंक्शन क्या होते हैं, सेंटेंस में इसे किस लिए यूज करते हैं। दूसरा हमें यह पता होना चाहिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और इसके अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स। हर एक वर्ड क्लास के जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, उनके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बाकी वर्ड्स में नहीं होते, ठीक है, बाकी टाइप्स में नहीं होते। नाउन प्रोनाउन में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दूसरों में नहीं होते, ठीक है, इस तरीके की चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जब हम नाउन की बात करते हैं या किसी भी वर्ड क्लास की बात करते हैं, फिलहाल में शुरुआत तो हम नाउन से करेंगे तो हम बात नाउन की कर रहे हैं, तो हमें एक तो पता होना चाहिए कि कैसे डिटरमिन होता है टाइप, तो टाइप कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन होगा या नाउन क्लास का है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, उसके फंक्शन क्या होते हैं सेंटेंस में, अगर मान लो हमने जान लिया कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, ठीक है, तो उसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे, मतलब उसके फंक्शन, उसके यूजर्स क्या होंगे सेंटेंस में, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है नाउन, कैसे पता चलता है नाउन को, कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है वर्ड्स को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स अपने क्या होते हैं, नाउन जो होता है इसके अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके ऐसे मतलब जैसे हर एक वर्ड क्लास होती है, नाउन है, प्रोनाउन है, उनके सबके अपने कुछ खास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो केवल उसी वर्ड, उसी टाइप के वर्ड्स में होते हैं, बाकियों में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन में नंबर होता है, जेंडर होता है, पर्सन होता है, केसेस होते हैं, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स नाउन्स में, प्रोनाउन्स में होते हैं, ठीक है, बाकी एडजेक्टिव्स में नहीं होते, एडवर्ब्स में नहीं होते। तो जो ग्रामर में क्लैरिटी आती है ना, ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों को समझने से आती है। तो मैं आपको ये बेसिक समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि हमने प्लेलिस्ट का नाम भी ये रखा, ठीक है, और मेरी बातें सुन लोगे तो कुछ इधर फोकस बनाओगे, अगर ये बंद करोगे तो मेरी बातें सुन पाओगे, ठीक है, व्यूज बढ़ा दो एक, अभी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है, अभी जो मैं बातें समझा रहा हूँ अभी ये समझो, उसके बाद में जब बात करूँगा तो अपना टाइप वगैरह करना तो मैं देखूँगा, ठीक है, तो रिप्लाई करूँगा। अभी मैं इधर पढ़ाने में लगा रहूँगा, मैं नहीं देख पाऊँगा क्या आप लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर आ जाए। तो खैर, बात ये हो रही थी कि हर एक वर्ड टाइप के अपने डिफरेंट पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसी में होते हैं, बाकियों में नहीं होते, ठीक है। अच्छा, हम फिलहाल में नाउन के टाइप को डिटरमिन करने की बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कोई पर्टिकुलर वर्ड नाउन टाइप का, उसका मतलब नाउन है या नहीं है। तो देखिए, इसका मैं एक सीधा सा आंसर बताता हूं, ऑल वर्ड्स आर नाउन्स, ठीक है, जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, ठीक है, वो सारे के सारे नाउन टाइप के होते हैं। होता पता है ऐसे क्यों, क्योंकि जो नाउन होता है इट इज अ नेम, जैसे हमें पता है नाउन किसी भी चीज का नाम है, नाम का मतलब होता है आइडेंटिटी, भाई कोई भी चीज है आप उसको जब एड्रेस करोगे या उसको मेंशन करोगे तो आप उसके लिए कोई वर्ड तो यूज करोगे जिससे कि हम जान पाएंगे कि हाँ भाई इस चीज को रेफर किया गया, तो वो उसकी आइडेंटिटी है ना, उसका नेम हो गया। सपोज ये मैंने जो पहन रखा है ये गारमेंट एक, ठीक है, अब इसको मैं क्या कहूँ, इसको स्वेटर कह दिया तो ये स्वेटर इसकी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। ये जैसे है ये शर्ट हो गई, ठीक है, ये मार्कर हो गया, ये क्या चीज है भाई, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, और मतलब जो भी है। तो जब भी हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना,
इनको को जब हमें रेफर करना होता है तो हमें इनके लिए एक वर्ड यूज करना पड़ता है जो वर्ड उसका मतलब आइडेंटिटी होता है. तो जब हम उस वर्ड को बोलते हैं तो लोग जान जाते हैं कि हमारा मतलब क्या है. जैसे अगर हम कहते हैं हम कार से गए, हम बस से गए, तो लोग जान जाते हैं कि कार का मतलब किस टाइप और बस का मतलब किस टाइप. तो नाउन जो है ना वो टाइप है, मतलब वो एक आइडेंटिटी है. टाइप कह गया मैं, आइडेंटिटी है, ठीक है. अच्छा, किस चीज की आइडेंटिटी है? उन सारी चीजों की जो फिजिकल फॉर्म में है या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, क्योंकि हम रेफर तो सबको ही करते हैं, मेंशन तो सबको ही करते हैं. हमारे दिमाग में कुछ आया तो उस चीज को भी हम एक नाम देंगे, उसको भी मतलब एक रेफरेंस देंगे, ठीक है. हमारे आमने सामने आसपास में जो उसको भी देंगे. तो इस तरीके से मैं ये जो कहना चाहता हूं वो ये है कि बाय डिफॉल्ट एवरी वर्ड इज अ नाउन, ठीक है. हर एक वर्ड एक नाउन होता है. अब देखना, मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूं. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम हैप्पी नाउ, और दूसरा लिखा आई इज फर्स्ट पर्सन. ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में हमने आई लिखा, यहां भी लिखा, यहां पर आई के साथ हम वर्ब यूज कर रहे हैं एम, यहां पर हम आई के साथ में यूज कर रहे हैं इज. ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो आई वर्ड है ना, ये है प्रोनाउन और ये वर्ड है नाउन. ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे हमें पता है कि प्रोनाउन कोई ऐसा वर्ड होता है जो हम किसी के नाम की जगह पर यूज करते हैं. मतलब किसी का कोई नाम है और हम उसका नाम ना लेके उसकी जगह पर कोई वर्ड यूज कर ले तो वो प्रोनाउन है. प्रोनाउन का मतलब भी यही होता है, प्रो प्लस नाउन, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ समथिंग. ठीक है, नाउन की जगह पर जो यूज हो गया वो प्रोनाउन हो गया. ठीक, अब जैसे मेरा नाम अंकुल सिंह है तो मैं अपना नाम ना यूज करके मैंने आई लिख दिया. कोई भी पर्सन जनरली अपना नाम तो नहीं लेता, ठीक है. तो ये जो मैंने आई लिख दिया मेरे नाम की जगह यूज हुआ वर्ड है तो हम इसे प्रोनाउन कहेंगे. लेकिन आई इज फर्स्ट पर्सन जो हम कह रहे हैं ये किसी नाम की जगह पर नहीं यूज हो रहा है, ये खुद ही एक नाम है, एक प्रोनाउन का नाम है आई. ठीक है, तो ये जो आई है ये नाउन है, ये जो आई है प्रोनाउन है. ठीक, ऐसा समझना. जैसे ऑनवर्ड है ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन कब है? जब हम इसका यूज करें किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करने के लिए, अदरवाइज ये एक प्रीपोजिशन का नाम है और नाउन है. ठीक है, हमने लिखा बिकॉज, बिकॉज वर्ड जो है, ठीक है, ये एक कंजंक्शन है. लेकिन ये कंजंक्शन कब है? जब हम इसकी मदद से सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाए, सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीजन. अदरवाइज ये एक कंजंक्शन का नाम है और नाउन है. ठीक है, हमने यहां पर लिखा केयरफुल, केयरफुल वर्ड एडजेक्टिव है. लेकिन ये एडजेक्टिव कब है? जब हम इसको यूज करें किसी को डिस्क्राइब करने के लिए. मतलब अगर ये अगर हम आई को किसी के नाम की जगह पर यूज करें तो ये प्रोनाउन है, नहीं तो ये नाउन है. ठीक है, ऑन को अगर हम यूज करें किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए किसी दूसरे वर्ड से तो ये प्रीपोजिशन है, नहीं तो तब तक एक प्रीपोजिशन का नाम है और नाउन है. बिकॉज का यूज करें अगर हम सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए, एडवर्ब ऑफ रीजन बनाने के लिए, तो ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, नहीं तो तब तक एक कंजंक्शन का नाम है और नाउन है. ठीक है, केयरफुल वर्ड को अगर हम यूज करें किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, तो केयरफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है. अगर हम इसको किसी को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं तो तब तक एक ये नाउन है. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां पर यूज कर दें इजली, तो अगर हम इजली वर्ड का यूज करें किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए तो ये एडवर्ब है, नहीं तो तब तक एक एडवर्ब का नाम है और नाउन है. ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया द वर्ड, द वर्ड डिटर्मिनर है अगर हम इसको यूज करें किसी नाउन को डिटर्मिन करने के लिए. लेकिन अगर हम किसी नाउन को डिटर्मिन करने के लिए इसका यूज ना करें, ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनर का नाम है और नाउन है. बात समझ में आ रही है? हर एक वर्ड एक नाउन है, हर एक वर्ड एक नाउन है. ठीक है, बाद में वो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा, कंजंक्शन होगा, वो उसका फंक्शन डिसाइड करेगा कि हम उसको सेंटेंस में क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो उसका फंक्शन डिसाइड करेगा कि हम उसको फर्दर क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच माने, बट एवरी वर्ड इज अ नाउन. ठीक है, तो टेक्निकली बात तो ये हो गई कि सारे वर्ड इंग्लिश में नाउन होते हैं क्योंकि वो नाम तो है ही. ठीक है, फिर उनका फंक्शन डिसाइड करता है कि वो कैसे कैसे यूज किए जा सकते हैं. ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा डेप्थ से चीजों को सीखना समझना जानना पड़ जाएगा. ठीक है, तो खैर हम लोग देख लेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है. ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना नाउन, नाउन का मतलब है आइडेंटिटी, किसी भी चीज की आइडेंटिटी जो है वो नाम है. ठीक है, अब जैसे नाउन के अपने टाइप्स होते हैं,
भाई जैसे नाउन है, नाउन आइडेंटिटी हो गई, तो आइडेंटिटीज के क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग नाउन्स के भी टाइप हो जाएंगे, क्योंकि नाउन आइडेंटिटी है और हमें पता है आइडेंटिटीज के मैनी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो नाउन के भी मल्टीपल टाइप्स हो जाएंगे, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नाउन का यूज़ क्या होता है भाई सेंटेंस में, फंक्शन क्या है, ठीक है, किस किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो देखो मैं ये भी समझा देता हूँ, सर क्वेश्चन टैग का भी वीडियो बना दो, ठीक है। चलो मैं नाउन के अगर फंक्शन की बात करूं, तो मैं आज जो आपके साथ में नाउन का एक सिंगल एट्रीब्यूट डिस्कस करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है, समझने में मदद भी करेगा और थोड़ी सी क्लैरिटी भी देगा, मतलब आपके आइडियाज को थोड़ा सा वाइड करेगा, ब्रॉडन करने का काम करेगा, ठीक है, आपके समझ को थोड़ा सा विस्तार देगा। नाउन का जो मैं आज आपके साथ यूज डिस्कस करने जा रहा हूं ना, वो है केसेस। देखिए केसेस जो टर्म हम यूज करते हैं नाउन के लिए, ये एक्चुअल में ये डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस में किस लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे समझना। जैसे हमने एक नाउन यूज कर लिया बुक, ठीक है, तो हमें पता है इट इज द नेम गिवन टू समथिंग, ये एक नाम है जो हम इसके थ्रू किसी चीज को रेफर करते हैं, मतलब पेजेस का एक कंपाइलेशन होता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी होती है जिसको हम पढ़ते सीखते जानते हैं उससे, ठीक है, तो उस टाइप की चीजों को हम बुक कह देते हैं। सो बुक इज द नेम ऑफ समथिंग, ठीक है, तो ये नाम हो गया। लेकिन अगर हम इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करें तो हम इसको किस किस तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है, तो वो जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं ना, तो उनको हम केसेस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को, इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दें, ठीक है, तो वो उसके जो यूजर्स होंगे कि ये प्रीपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको केसेस अलॉट होते हैं। वो केस का मतलब होता है यूज इन द सेंटेंस, कि कोई नाउन है उसको हमने सेंटेंस में कैसे यूज किया, उसके केस से पता चल जाता है, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश में तो जो मेनली चार पांच केसेस यूज होते हैं, नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव है जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, पजेसिव है जो कि एक्चुअल में जेनेटिव होता है, ठीक है, और अपोजिटिव है, वोकेटिव है। तो नाउन के जो मेन केसेस इंग्लिश में आज के टाइम में यूज होते हैं वो वही चार पांच हैं, ठीक है, वो तो हम डिस्कस करेंगे करेंगे, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लें जिससे कि बाकी चैप्टर्स को भी सीखने में हमें थोड़ी सा फायदा मिले या मदद हो जाए, ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ब्रॉड एक होराइजन हो जिसपे हमें चीजें दिखाई पड़ रही हो, ठीक है। यूट्यूब पे जब कोई लिमिट नहीं होती, मेरे सिखाने की कुछ लिमिट नहीं, आपके सीखने की कुछ लिमिट नहीं, मैं जो चाहे बताऊं सिखा दूं, आप जो चाहे सीख लो, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना छटनी करते रहना, क्या काम का है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, कमेंट बंद कर लो, कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं देख नहीं रहा, ठीक है। तो मैं आपको केसेस को अच्छे से समझाने के लिए एक तरीका यूज करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चे जो इस समय हमारे चैनल पे हैं या जो भी हैं, ठीक है, वो हिंदी को लेकर अवेयर होंगे, हिंदी व्याकरण वगैरह आप लोगों ने पढ़ी पढ़ाई होगी, छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी मदद हिंदी के कारकों की लें, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। देखिए अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, ठीक है, तो नाउन का मतलब संज्ञा होता है, ज्यादातर बच्चे जानते हो, तो उसमें कारक होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप तो अब तक ध्यान रह गए हो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और अगर लास्ट वाला उस पर दिख जाए तो संबोधन, ठीक है। अब देखिए मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चे बात जानते रहे होंगे, जो नहीं जानते रहे होंगे उनको रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि हिंदी तो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी होती है और ये हमें पता ही होता है कि हाँ भाई ये कारक होते हैं। जैसे ये मैंने बोर्ड पे लिखे जो आपको दिख भी रहे होंगे, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। ये जो कारक है ना, ये एक्चुअल में नाउन के यूजर्स हैं, कि कोई नाउन जो है ना उसका सेंटेंस में यूज किया है वो यहां से पता चलता है कि हमने उसको किस पर्पस के लिए यूज किया। तो मैं नाउन के आपको केसेस समझा रहा हूं, तो केसेस का मतलब यही होता है कि उसका यूज इन द सेंटेंस, कि नाउन का उस पर्टिकुलर वर्ड का, जैसे हम नाउन कह रहे हैं, सेंटेंस में किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ उसके डिफाइंड केसेस हैं कि नाउन को इस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है सेंटेंस में, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। अब हमें हिंदी तो सीखनी नहीं है, ये मैंने केवल रेफरेंस के लिए लिख दिया जिससे कि आप जल्दी से इनको रिलेट कर लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं पे ऐसा है कि संस्कृत भाषा जो है ना, दैट इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है, सारी भाषाओं का मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जितनी है उनका तो कम से कम वो हाई है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मदद से देखें तो जो हमारे इंग्लिश के केसेस होते हैं, अगर हम उन्हें रिलेट करें इनसे जो संस्कृत या हिंदी व्याकरण के केसेस हैं, तो कर्ता जो होता है ना, इसके लिए जो हम इंग्लिश में नाउन को कहते हैं,
नॉमिनेटिव केस, ठीक है। कर्म जो होता है इसको हम कहते हैं अक्यूजेटिव केस, हालांकि हम इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं और नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव कहते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। भाषा लोग जो होते हैं ना उसको ज्यादा वैल्यू करते नहीं, क्योंकि वो वर्ड उन्हें पकड़ में आते नहीं, तो अपने हिसाब से मनगढ़ंत बना लेते हैं, उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस, जो कि हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में कर्ता कहा जाता है। ये हो गया अक्यूजेटिव केस, जो कर्म कहा जाता है। करण हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटल, मैं अभी ये समझा दूंगा इनका मतलब क्या है। इंस्ट्रूमेंटल हो गया, ठीक है। संप्रदान जो हो गया ये डेटिव केस हो गया, अब इंग्लिश में नहीं यूज होता, ये लैटिन में था, मतलब लैटिन जो है ना वो फ्रेंच का ओरिजिन है, वो फ्रेंच से इंग्लिश बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो डेटिव केस एक हुआ करता था, अब नहीं होता। अपादान हो गया अबलेटिव, संबंध हो गया जेनेटिव, इसको हम पजेसिव कहते हैं, ठीक है। अधिकरण हो गया लोकेटिव, ठीक है, और संबोधन हो गया वोकेटिव। ठीक, तो फिर से देखो मैं एक बार आपको बता देता हूं कहानी क्या हो यहां पे चल रही है। ये मुझे ही स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रहा है कि सारे लोगों को नहीं दिख रहा, बफरिंग, हाँ बफरिंग लिख कर आ रहा है, स्ट्रीम हेल्थ तो यहाँ पे गुड दिखा रहा है। चलिए देखता है, ठीक है, थोड़ा सही हो जाएगा। तो यहां पे देखो, समझो मैं आपको बताता हूं फिर से, ये हिंदी व्याकरण के कारक हो गए। कारक का मतलब होता है द यूजेस, टाइप ऑफ द यूजेस ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में किसी नाउन को किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उसके यूजेस डिफाइन करता है, ठीक है। बफरिंग आ रही है, कोई बच्चा बफरिंग लिख रहा है इसमें, देखता हूं मैं एक बार अगर कैमरे से कुछ सीन क्लियर हो जाए थोड़ा सा। चलो अभी देखो यहां पर कुछ पहले से ठीक हुआ मामला, कैसे सब डिस्टर्ब हो गया, मुझे भी साफ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे इस समय, सब ठीक है। आप लोग एक काम करो, पहले एक काम करो, जरा एक बार मुझे ना ये कमेंट करके बताओ, तो मुझे तो स्क्रीन जो मेरा यहां पे मैंने सामने स्क्रीन लगा रखी है तो ये लाइव मेरे को दिखता रहता है, जो तो मुझे तो इसमें सही नहीं दिख रहा, बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा, कोई बफर नहीं है, सही है, मेरी स्क्रीन पे गड़बड़ दिख रहा है। राम राम जैकी चावला, राम राम भाई, राम राम। चलिए खैर आ जाते हैं, मुझे लग रहा है सही है सर, ठीक ठीक है, बढ़िया, आ जाओ, ऑल राइट, सही है, सही है, चलो ठीक। अब देखिए यहां पे पता क्या, तो ये जैसे हिंदी के हमारे या संस्कृत व्याकरण के कारक हो गए, ये हो गए इंग्लिश में नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, अब्लेटिव, जेनेटिव, वोकेटिव और ये लोकेटिव, ठीक है। अब इसमें से देखो, इंग्लिश में अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो नॉमिनेटिव यूज होता है, अक्यूजेटिव यूज होता है, हम नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव कहते हैं, एक्विजिटिव को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डेटिव को खत्म, ठीक है, इतने केसेस आज के टाइम में इंग्लिश में यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लोकेटिव है ये वाला, ये जो अब्लेटिव है और ये जो डेटिव है, इनकी जगह प्रीपोजिशंस ले गए। एक मिनट, डेटिव को तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, इंस्ट्रूमेंटल है, इनकी जगह प्रीपोजिशंस ले गई, ठीक है। तो वो जो नाउन की फॉर्म के थ्रू, मतलब नाउन की फॉर्म, जैसे जब हम किसी नाउन को इन फंक्शन के लिए यूज करते हैं सेंटेंस में, संबंध शो करने के लिए, संप्रदान या करण या कर्म या कर्ता कारक में, तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको यूज करना पड़ता था, ठीक है। अब क्या है यहां पर कि ये जो इंस्ट्रूमेंटल है, अब्लेटिव है, लोकेटिव है, वोकेटिव है, नहीं लोकेटिव है,
इनको प्रीपोजिशंस रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब नाउन की फॉर्म एक ही हो गई, ऑब्जेक्टिव वही प्रीपोजिशन के साथ लिखी जाती है, तो डिफरेंट प्रीपोजिशंस ने जगह ले ली नाउन की फॉर्म की। ठीक है, मैं आपको ऐसा समझाता हूं, नॉमिनेटिव केस या कर्ता केस हिंदी में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बताते हैं सेंटेंस में, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बता रहे होते हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव हम कह देते हैं, अक्विजिटिव होता है ऑब्जेक्टिव। अगर हम किसी नाउन को सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करें तो वो ऑब्जेक्टिव केस में अक्विजिटिव केस का है। अगर हम उसको सब्जेक्ट बनाकर यूज करें, मतलब उसके बारे में बात करें, हमने पढ़ा सब्जेक्ट इज वी टॉक अबाउट, ठीक है, तो वो नॉमिनेटिव केस का है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि जब हम कोई काम करते, देखो एक बार आवाज आए तो मुझे बताना। अब देखो अगर आवाज आई है तो एक बार कमेंट करो, तो अगर आवाज आ ही रहे तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ ये कह रहा है सो जाइए, अब क्या करूं, ये सो जाऊं जाके अब तो। चलो आवाज आ गई तो खैर ये बातें पूरी कर लेते हैं। ठीक है आ जाओ वापस आओ। देखो पता है क्या,
तो मैं फिर से देखो एक बार समझा देता हूँ, ये जो करता है हिंदी का या संस्कृत का, इंग्लिश में इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में वो नाउंस होते हैं जिनको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं। एक्यूजेटिव केस जो होता है वो नाउन का एक ऐसा केस होता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऐसे समझना। जैसे हमने लिखा राम हेल्प्ड मोहन, तो ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में राम है सब्जेक्ट, मोहन है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा है कि राम है सब्जेक्ट, मोहन है ऑब्जेक्ट, तो राम को हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस, कि ये नॉमिनेटिव केस का नाउन है, और मोहन जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है, ठीक है। ये नॉमिनेटिव केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। उसके बाद में एक होता है करण, करण कारक जो है वो मतलब होता क्या है कि जो संस्कृत व्याकरण होती है या जो लैटिन लैंग्वेज है ग्रामर है उसमें नाउन की फॉर्म के थ्रू ही उसका वो रिलेशंस हो गया जाता है, कि अगर कोई नाउन है उसका यूज कोई काम करने के लिए यूज किया जाए तो उसको हम नाउन की फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये नाउन की फॉर्म्स अलग अलग होती हैं इन सारे कारकों को एक्सप्रेस करने के लिए। इंग्लिश में वो काम प्रीपोजिशन करती हैं, बाई है, विद है, विदाउट है, बिकॉज ऑफ है, आउट ऑफ है, ये इंस्ट्रूमेंटल केस होता है, और इसके थ्रू हम उस नाउन को रेफर करते हैं जिसकी मदद से किसी काम को किया गया होता है। जैसे कि ही ओपन्ड द लॉक, ही ओपन्ड द लॉक विद द की। तो देखो ये जो ही है ये तो खैर प्रोनाउन लिख दे, चलो हम लिख देते हैं यहां पे कोई नाम राम, तो जो राम है ना नाउन ये सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। द लॉक जो है वो ऑब्जेक्ट है तो वो अक्यूजेटिव केस में है, अक्यूजेटिव, ठीक है। अब राम ने ओपन किया लॉक को, किस चीज से लॉक को ओपन किया, की से, तो जो की है ना ये पूरा हमारा इंस्ट्रूमेंटल केस है, इंस्ट्रूमेंटल। तो इंग्लिश में जो प्रीपोजिशंस है ना उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल केस का काम करना शुरू कर दिया, मतलब नाउन की फॉर्म के थ्रू इंस्ट्रूमेंटल केस को नहीं मेंटेन किया जाता, वो प्रीपोजिशन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। ये है तो वो जो विद है उसके साथ लिखा गया जो नाउन है, ठीक है, वो अब हम तो कहेंगे उसको अक्यूजेटिव केस, क्योंकि इंग्लिश में अब इंग्लिश में ये होता नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल केस है, ऑब्लेटिव केस है, इंग्लिश में होते नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको रिप्लेस किसने किया इंग्लिश में, उनको रिप्लेस किया प्रीपोजिशंस ने, ठीक है। तो ये जो प्रीपोजिशन विद है ना और इसके साथ जो लिखा गया की है, ये अगर हम संस्कृत में लिखते या हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते तो यहाँ पे जो नाउन लिखा जाता वो इंस्ट्रूमेंटल केस का होता। ये चीजें जब हमें क्लियर हो जाती है ना तो हमें प्रीपोजिशन बहुत अच्छे समझ में आती है। जनरली आपने देखा होगा कि जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो पढ़ाते हैं तो कह देते हैं प्रीपोजिशन फिक्स होती है। मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो सबसे पहले आके यही समझाता हूं कि इंग्लिश में कुछ भी फिक्स हो जाए प्रीपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रीपोजिशन को उतना डिटेल में समझते नहीं, इसलिए हम कह देते हैं ये फिक्स होते हैं। फिक्स कुछ नहीं होता, प्रीपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बाकी कुछ भले ही हो जाए, ठीक है। तो जब हम इतनी क्लैरिटी से चीजों को जानते समझते हैं ना तब हम जान पाते हैं कि कोई प्रीपोजिशन कहां पर क्यों यूज होती है, कब यूज होती है, क्यों नहीं यूज होती, कब गलत हो जाती है, क्यों गलत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रीपोजिशन किसकी जगह पर आई है अगर हम ये चीजें समझने लग जाए। तो करंट जो कारक होता है या इंस्ट्रूमेंटल कारक जो इंग्लिश में होता है, इंस्ट्रूमेंटल केस होता है, वो नाउन का हम यूज करते हैं तब जब हमें किसी ऐसी चीज को रेफर करना हो जिसकी मदद से कोई काम किया गया, ठीक है। इंग्लिश में उस फॉर्म का काम जो है वो प्रीपोजिशंस करती हैं, बाई है, विद है, विदाउट है, बिकॉज ऑफ है, आउट ऑफ है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को, एक बार थोड़ा सा ये निपटा देते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद में क्या संप्रदान, संप्रदान जो कारक होता है या जो डेटिव केस होता है इंग्लिश में इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में एक ही ऑब्जेक्टिव है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, बोर्ड छोटा पड़ जाता है ये वाला, मैंने लिखा दे गेव अ बुक टू राम। अब देखो ये जो बुक है ना ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो गेव वर्ब है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बुक, तो ये अक्यूजेटिव केस। अच्छा ये जो राम है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो है वो भी अक्यूजेटिव केस, लेकिन ये जो टू राम है ना ये एक्चुअल में डेटिव केस है, मतलब हम डेटिव इसको नहीं कहेंगे, हम अक्यूजेटिव ही कहेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो इंग्लिश में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो टू और फॉर प्रिपरेशन के साथ लिखे जाते हैं, ठीक, एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं चाहो तो उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिख सकते हैं, दे गेव राम अ बुक, तब फिर हमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इस सेंटेंस में तो हम ये कह देंगे गेव जो है उसका ऑब्जेक्ट है बुक और टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है राम, ठीक है, तो राम एक नाउन है, बुक एक नाउन है, सब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं है, नॉमिनेटिव केस कोई नहीं है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं या अक्यूजिटिव केस हैं। बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है गेव वर्ब का, राम जो है वो ऑब्जेक्ट है टू प्रिपरेशन का। लेकिन इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दे गेव राम अ बुक। अब ये दोनों ही जो हम कहेंगे ना ये दोनों ही ऑब्जेक्ट इस वर्ब के हैं। इनमें होता क्या है एक्विजिटिव केस जो डेटिव केस होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल में किसी चीज का रेसिपिएंट होता है, जिसने किसी काम को रिसीव किया होता है, मतलब मैंने कोई चीज किसी को भेजी तो मैंने जो भेजा वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिसके लिए था वो मिंट फॉर जिसके लिए था, ठीक है, या जिसको मिलना था वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो राम है ना ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधे शब्दों में चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंग्लिश में व्हाट का रिप्लाई होते हैं व्हाट का, ठीक है, वो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे बुक जो है ना ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राम होम का रिप्लाई है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो डेटिव केस है ना जो संस्कृत में आपका संप्रदान होता है लैटिन में डेटिव होता है इंग्लिश में उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रीपोजिशन के साथ अगर उसे लिखें तो टू और फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा ना टू राम, दे गेव अ बुक टू राम, ठीक है, या जैसे मैं आगे ऑब्जेक्ट एक और सेंटेंस लिख दूं आई बॉट इट फॉर राम, ठीक है। अब जैसे ये जो हमने टू प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट राम को बनाया, यहां पे फॉर प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक्चुअल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके लिए हमने कोई काम किया, ठीक है, या कोई चीज हमने भेजी तो किसको भेजी। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं कोई नाउन होता ना, मान लो इसको हम नाउन ही बना देते हैं, देव आई बॉट अ कार फॉर राम, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई बॉट राम अ कार, I bought Ram a car, ठीक है। A car जो है यह है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई, राम जो है यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम का रिप्लाई, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखेंगे तो हम कहेंगे इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन फॉर। तो फॉर और टू प्रीपोजिशन होती हैं, ये डेटिव केस का सब्स्टिट्यूट हो गई, डेटिव केस का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आई बॉट राम अ कार, और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आई बॉट अ कार फॉर राम, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं दे गेव अ बुक टू राम, और चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं दे गेव राम अ बुक, ठीक। तो ये जो राम है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां भी ये राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर चाहें तो हम इसको इस तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आके वर्ब का लिख लें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया, ठीक है। और नहीं तो अगर हम उसको चाहें तो टू या फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, यहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहां पे फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहां पे टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये लैटिन का डेटिव केस होता है, इंग्लिश में इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जब हम प्रीपोजिशन की मदद से इसे लिखते हैं टू और फॉर प्रीपोजिशन का यूज इसके लिए हमें करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया कर्ता, हो गया कर्म, हो गया करण, हो गया संप्रदान, हो गया, ठीक। कर्ता फिर से मैं एक बार बता देता हूं, कर्ता हो गया सब्जेक्ट, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं तो वो उसका कर्ता कारक होता है, मतलब उसकी जो फॉर्म होती है वो नॉमिनेटिव होती है, लेकिन जब हम उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो वो एक्विजिटिव केस होते हैं। अगर कोई नाउन प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम उसको टू या फॉर प्रीपोजिशन की मदद से लिख सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की प्रीपोजिशन टू एंड फॉर होती हैं, ठीक। अब आगे ये अब्लेटिव है, जेनेटिव है, अधिकरण है, संबोधन है, ये देखो कहीं समझाता हूं। अपादान जो होता है ना इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा नाउन जिससे कोई दूसरी चीज टूट गई या अलग हो गई, ठीक है, मतलब किसी चीज का किसी चीज से अलग होना, ये शो करते हैं। तो ये जो स्टेटिक रह जाती है ना, जो वहीं पर रह जाती है, हटती नहीं है, ये होती है अब्लेटिव केस में। मैं ऐसे बताता हूं इंग्लिश में, इंग्लिश में इसका काम जो होता है ना वो फ्रॉम प्रिपोजिशन करती है, ठीक है, या जो हम देन कंजंक्शन यूज करते हैं ना वो भी यही काम करता है, ठीक है, आउट ऑफ भी यही काम करता है, ठीक है। एक एक एग्जांपल से समझना, ही केम
he is wiser than Shyam. अब देखो ये ही तो हो गया nominative केस, क्योंकि ये तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ही है, लेकिन इस श्याम को क्या कहोगे? ठीक है, अब अगर ये संस्कृत होती या ये लैटिन लैंग्वेज होती तो ये अब्लेटिव केस होता। ठीक है, इंग्लिश में अब्लेटिव की जगह पे देन आ गया, मतलब जब हम देन के बाद लिखते हैं ना किसी को जिससे किसी की कंपेरिजन किया जाता है, जैसे ये श्याम है, इस श्याम से ही का कंपेरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो वो श्याम अलग है और ही उससे अलग है, मतलब ही जो है वो श्याम से अलग है, तो हमने ये अब्लेटिव केस लिख दिया। इसका अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जब हम अब्लेटिव केस को अप्लाई करते हैं ना उसमें, क्या नाम, कंपैरिजन में, तो वहां पे इसका बड़ा अच्छा यूज होता है। देखो एक एग्जांपल से मैं समझता हूं, मैं समझाता हूं मतलब। ठीक है, हमने लिखा ही इज टॉलर देन एनी बॉय, जैसे हमने ये लिखा। ठीक है, अब अगर हम लिख दें ही तो ये सब्जेक्ट हो गया, मतलब कोई लड़का है, और एनी बॉय लिख दें तो ये भी कोई लड़का है। अब हमें पता है एनी बॉय का मतलब सारे लड़के, लेकिन ये जो ही है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको हमें उससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो ही हो गया जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ही को छोड़कर ये जितने बाकी बच गए, क्योंकि हमने ही को उनमें से निकाल लिया, तो ये अब्लेटिव केस है। तो ये जो देन हमने लिखा ना, इसका मतलब यहाँ पे बाकी बचे हुए रेफर करने, जिनमें से ही को निकाल लिया गया। अच्छा, अगर ही को निकाल लोगे तो बाकी जो बचे हुए रह गए ना, उन्हें हमें कहना पड़ेगा अदर। तो ये अदर लेकर हम अब्लेटिव केस मेंटेन करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर भाषा है लैंग्वेज। इंग्लिश थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा दिमाग थकाती है। ठीक है, लेकिन इससे क्लियर कुछ है नहीं, मतलब बिल्कुल क्लियर कट भाषा है, मतलब इतनी क्लियर कट है, इसमें कोई रूल है ही नहीं, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। ठीक है, बस हम चीजों को उतना डेप्थ से सीख नहीं पाते, सिखा नहीं पाते, इसलिए उलझने होती है। ठीक है, तो ये जो हम अदर लिखते हैं ना, वो अदर हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो बॉय नाउन है ना, इसको अब्लेटिव केस में लाना है। अब्लेटिव का मतलब होता है जिसमें से किसी को अलग कर दिया गया या जो किसी से अलग है। अब हमें पता है कि अगर ही जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो एनी बॉय से अलग होना चाहिए, लेकिन ये खुद भी बॉय है, जब हम इसको सारे बॉय से अलग कर देंगे तो जो बाकी बचेंगे वो अदर हो जाएंगे। तो जो हम अदर लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें अब्लेटिव केस मेंटेन करना है। इंग्लिश में एक वर्ड हम यूज करते हैं एल्स, एल्स जो यूज करते हैं ना किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाकर, उसका भी पर्पज यही होता है। ठीक है, अब्लेटिव केस मेंटेन करना, जैसे कि हमने लिखा मोहन इज richer than anybody, तो अगर हम then लिख रहे हैं ना, तो then का मतलब ये जो anybody है ना, उनमें से मोहन को अलग कर लिया गया। ठीक है, ablative case का मतलब यही होता है कि जिससे किसी को अलग कर लिया गया। जैसे मोहन है, मोहन को हम compare कर रहे हैं। ठीक है, तो मोहन को हमने उनसे अलग कर लिया जिनसे इसे compare कर रहे हैं, वो अलग होना चाहिए। ठीक है, anybody लिख दोगे तो anybody का मतलब हर कोई होता है, हर कोई का मतलब जिसमें मोहन खुद भी है। ठीक है, तो अगर मोहन खुद भी है तब तो ये कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे वो होना चाहिए जिसमें मोहन ना हो। ठीक है, अब्लेटिव केस का मतलब ये होता है जिससे किसी को निकाल दिया गया, जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं उसे निकाल दिया गया, फिर जो बचा वो हो गया एनीबडी एल्स। एल्स का मतलब एक्सक्लूडिंग मोहन, मोहन को छोड़कर बाकी जो बचे। तो ये जो हम अदर लिख रहे हैं या जो हम एल्स लिख रहे हैं, ये सब इसी मतलब इसीलिए हम कर रहे हैं कि हम अब्लेटिव केस मेंटेन कर लें। ठीक है, तो खैर अब्लेटिव केस ये वो नाउन से प्रोनाउंस होते हैं जिनमें से किसी को अलग कर दिया जाता है। देन के बाद लिखे गए जो होते हैं, एल्स के साथ लिखे गए जो होते हैं, वो अब्लेटिव केस ही होते हैं। ठीक है, या जैसे हमने कहा फ्रॉम रूम, आउट ऑफ द बैग, कोई चीज है हमने बैग से निकाल ली, आउट ऑफ द बैग, तो बैग के अंदर थी हमने उसको बाहर कर लिया, तो बैग जो हो गया वो अब्लेटिव केस का नाउन हो गया। ठीक है, संबंध जेनेटिव केस होता है इंग्लिश में, इसको पजेसिव केस कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने लिखा somebody stole देखो पता है क्या, तुम लोग जो YouTube पे सीखते हो ना मुझसे, मैं पता नहीं तुम लोग मुझे लेकर मतलब क्या सोचते हो क्या नहीं, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि तुम मुझे मौका दे रहे हो, क्योंकि कंपटीशन का सिलेबस बड़ा छोटा सा होता है, लिमिटेड वर्क होता है, तमीज से लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं, इसलिए जिंदगी भर परेशान रहते हैं, लेकिन वो इतना छोटा सा होता है कि तमीज से अगर पढ़ पढ़ा लिया जाए तो वो दो तीन चार महीने में खत्म ही हो जाता है।
लेकिन बाकी जो इंग्लिश बच्ची है ना उसको सीखने का भी मजा ही अलग है। अब उसको क्लास में सिखाया नहीं जा सकता, बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। चलो, तो जैसा हमने लिखा somebody stole Kamal's money, तो हमें पता है stole verb है ना, इसका सब्जेक्ट है somebody, ठीक है, करीब प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस का, और ये जो मनी है ये ऑब्जेक्ट है एक्यूजेटिव केस का, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अभी जो बच्चा रह गया कमल, ये क्या है, ये जेनेटिव केस, पजेसिव केस। तो जो कमल है ना, तो ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है हमारा पजेसिव केस, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझना, जब हम इंग्लिश में पजेसिव केस लिखते हैं ना, ठीक है, तो हम उनके साथ में अपॉस्ट्रोफ एस लिखते हैं, तो पजेसिव केस का मतलब ये होता है कि उसके थ्रू हम ये शो कर रहे होते हैं कि वो किसका पजेशन है, वो है किसका, हुज का रिप्लाई। इंग्लिश में एक प्रीपोजिशन होती है जो इस काम को करती है, वो होती है ऑफ। जैसे अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं समबडी स्टोल द मनी ऑफ कमल, मनी ऑफ कमल, ठीक है। तो जो ऑफ कमल है ना, ये इसी कमल का सब्स्टिट्यूट हो गया, जैसे हमने लिखा ना टू राम या फॉर राम, तो अगर उसको चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के भी लिख सकते हैं राम को, तो भी वही काम हो जाएगा। उसी तरीके से जो पजेसिव केस होते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ हम लिखते हैं, ये ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर देती है, ठीक है। ज्यादातर इंग्लिश में जो केसेस है ना नाउन के, वो उन फॉर्म के थ्रू नहीं प्रीपोजिशन के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोकेटिव का मतलब, हो गया लोकेशन। लोकेटिव केस जो होता है वो एक ऐसा मतलब नाउन होता है जिसके जिसमें हम लोकेशन शो कर रहे होते हैं, प्लेस में या स्पेस में, ठीक है। इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन है जैसे एट है, ऑन है, By है, in है, etc. इनके थ्रू हम पोजिशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया इन रूम, तो जो रूम है ना इसका केस है लोकेटिव, रूम जो नाउन है इसका केस है लोकेटिव, ठीक है। या जैसे हमने लिख दिया ऑन द टेबल, इन द रूम है लिखना पड़ेगा, ऑन द टेबल, तो जो टेबल नाउन है ना इसका केस है लोकेटिव। ये प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, ये वैसे तो हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं प्रीपोजिशन का, जो भी लिखा जाए, लेकिन जो प्लेस में या टाइम में पोजीशन या लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं नाउंस, ठीक है, वो होते हैं लोकेटिव केस, ठीक। वो कहते हैं, वो होता है संबोधन, जब हम किसी का नाम पुकारते हैं, व्हेन वी हेल समबडी, जैसे कि राम कम हियर, ठीक है। तो जो राम कम हियर हमने लिखा है ना, ये है वोकेटिव केस। देखो अगर हम ऐसे लिख दें राम कम्स हियर, तो ये है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इसलिए कहेंगे क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हमें जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो ये राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम सब्जेक्ट हो गया, तो ये नॉमिनेटिव केस है। लेकिन यहाँ पर हम राम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम राम का नाम पुकार कर उसको कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये है वोकेटिव केस। हिंदी में या संस्कृत में इसको संबोधन कहा जाता है। इंग्लिश में एक केस और भी होता है, इंग्लिश में एक केस और भी होता है इन सबके अलावा, हालांकि वह लैटिन से ही आया हुआ, अपोजिटिव कहते हैं। जैसे मैंने लिखा मोहन माई फ्रेंड, मोहन माई फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट, जैसे हमने ये लिखा मोहन माई फ्रेंड सेंट मी दिस गिफ्ट। अब देखो यहां पे समझना, ये जो मोहन है ये तो सब्जेक्ट है, तो ये है नॉमिनेटिव केस का नाउन, ठीक है। मी जो है ये तो खैर प्रोनाउन है, अगर मान लो हम मी ना लिखें और सोहन लिखें, तो जो सोहन है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहेंगे इंग्लिश में, लेकिन अगर ये संस्कृत हो या लैटिन हो तो हम इसे कहेंगे डेटिव केस। डेटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डेटिव केस होता है। अच्छा दिस गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम इसे कहेंगे अक्यूजेटिव केस। तो ये नाउन अक्यूजेटिव केस का है, ये नाउन डेटिव केस का, ये नाउन नॉमिनेटिव केस का है। सेंटेंस में उसको किस लिए यूज करते हैं वो डिसाइड करता है कि उसका केस क्या है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक नाउन और बच गया, ये फ्रेंड, ये क्या अभी, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो माय फ्रेंड हमने नाउन यूज किया ना, वो इस नाउन मोहन को रेफर करने के लिए। तो जब हम किसी नाउन के साथ में कोई नाउन वर्ड या नाउन फ्रेज, ठीक है, साउंड फिर कम हो गई, साउंड आज कल डिस्टर्ब कर रही है, एक मिनट में काम करता हूं, जो आज मुझे लगता है थोड़ा सा दिन ही ऐसा है।
चलो अब मुझे लग रहा है आवाज आप लोगों को सही आ रही होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये रात का जो डिस्कशन होता है ना अकेले का, इसमें एक बड़ी दिक्कत इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ पर अगर मान लो कोई उधर दिक्कत हो जाए तो मैं इधर बोर्ड पे ही लगा रहा हूँ पढ़ाने में और पता भी नहीं चल पाया क्या दिक्कत हो रही है। कोई बच्चा कह रहा है आई एम सो हार्ड वर्किंग, एक मैं चीज़ तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें लगता है ना मैं मेहनती आदमी हूँ तो तुम गलत सोचते हो। मैं केवल टीचिंग के लिए ही मेहनती हूँ, बाकी मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। छुट्टी हो तो मैं दिन भर फिल्म देखूंगा पड़े पड़े, ठीक है। केवल हाँ ये होता है अगर पढ़ाने की बात है तो मैं नहीं थकता, मैं कंटिन्यूसली फॉर आवर्स पढ़ा सकता हूँ, घंटों पढ़ा सकता हूँ, महीनों पढ़ा सकता हूँ, बस एक ऑडियंस अच्छी मिल जाए, वो मिल जाए जो सीखना समझना चाहते हैं। खैर, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मेहनती हूँ तो धन्यवाद फिलहाल में, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये पता क्या है, ये जो मोहन है तो नॉमिनेटिव केस है क्योंकि सब्जेक्ट है, ठीक है। सोहन है ये डेटिव केस है क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिस गिफ्ट जो है वो एक्विजिटिव केस है क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो फ्रेंड है ना, ना तो ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है। इसका यूज हमने इसलिए किया क्योंकि इसके थ्रू हम एक दूसरे नाउन मोहन को रेफर करना चाह रहे हैं। तो जब हम किसी नाउन को या नाउन फ्रेज को या नाउन क्लॉज को यूज करते हैं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए, तो हम उसके पास लिख देते हैं कॉमास में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपोजिटिव केस। केस इन अपोजिशन भी कह सकते हैं, केस इन अपोजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अपोजिटिव केस, ठीक। तो ये इतने केसेस होते हैं नाउन के। केसेस का मतलब सीधी सीधी बात है यूसेस, कि सेंटेंस में नाउन को इन किन कामों के लिए यूज किया जा सकता है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन सारे केसेस को एक बार हम फिर से सम अप करते हैं जल्दी से, ठीक। तो हमने पढ़ा केसेस ऑफ नाउन्स, ठीक। केसेस में एक तो हो गया हमारा नॉमिनेटिव, एक हो गया अक्यूजेटिव, एक हो गया हमारा जेनिटिव, एक हो गया वोकेटिव और एक हो गया अपोजिटिव। ये तो वो केसेस हो गए डायरेक्ट जो इंग्लिश में तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। ये इसके बाद में कुछ केसेस और, जैसे कि अगर हम उनको सिक्स सेवंथ एट्थ का ही नंबर दे दें, सिक्स डेटिव, ठीक है, सेवंथ अब्लेटिव, एट्थ अब्लेटिव के बाद में हमारा डेटिव लोकेटिव और नाइन्थ इंस्ट्रूमेंटल। ये जो डेटिव अब्लेटिव लोकेटिव इंस्ट्रूमेंटल हैं, ये केसेस अब इंग्लिश में यूज नहीं होते, ठीक है। इनका काम प्रीपोजिशंस करती हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, डेटिव केस की प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो होती हैं टू एंड फॉर, ठीक है। अब्लेटिव केस जो होता है इसकी प्रीपोजिशन होती है आउट ऑफ, फ्रॉम, देन, विदाउट। एक वैसे इंग्लिश की प्रीपोजिशन नहीं होती है, लैटिन की प्रीपोजिशन होती है, तुम लोगों ने अक्सर पढ़ी होगी कम, ठीक है। एक्टर कम डायरेक्टर ऐसे लिख देते हैं ना, कम लिख देते हैं। तो ये जो प्रिपोजिशन होती है ये भी अब्लेटिव केस की होती है। लोकेटिव केस की प्रिपोजिशन जो होती है वो प्लेस और टाइम वाली होती है। जो इंग्लिश में प्रिपोजिशन हम एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वो होते हैं इन है, एट है, ऑन है, बाई है, वगैरह वगैरह। इंस्ट्रूमेंटल जो होती हैं ये होती हैं बाई, विद, विदाउट, आउट ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ, कि कोई काम किया गया तो उसका कारण क्या रहा, ठीक है। ऐसे ही डाइड आउट ऑफ शेम, शर्म से मर गया, तो किस वजह से मर गया, शर्म से। तो आउट ऑफ के साथ जो हम शेम लिख रहे हैं ना वो इंस्ट्रूमेंटल केस है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, विद ऑनेस्टी, बाय वर्किंग हार्ड, जेरेंड वगैरह जो होते हैं ना वो मैनर होते हैं वो बाई के साथ लिखने पड़ते हैं। थिंग्स जो होती हैं वो विद के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लिखनी पड़ती हैं। तो ये जो केसेस हैं, डेटिव है, अब्लेटिव है, लोकेटिव है, इंस्ट्रूमेंटल है, ये संस्कृत में है, लैटिन में और बाकी कुछ लैंग्वेजेस में भी होंगे, वो मैंने ज्यादा इतना पढ़ा नहीं। संस्कृत तो मैंने पढ़ी अपने स्कूल डेज में तो मैं जानता हूं, ठीक है। इंग्लिश को समझने के लिए लैटिन थोड़ा सा स्टडी कर लिया तो वो भी जानता हूं, ठीक है। बाकी में भी होते ही होंगे।
तो ये जो नाउन्स हैं अब ये नहीं यूज होते हैं, मतलब ये केसेस इंग्लिश में हम नाउन के थ्रू, नाउन की फॉर्म्स के थ्रू इनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता, इनको एक्सप्रेस किया जाता है प्रीपोजिशन के साथ। तो अब होता है क्या, ये अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं जिनके थ्रू हम इन केसेस का सब्स्टिट्यूट हमने इन्हें बना लिया। तो इन प्रीपोजिशन के बाद में जो भी हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं वो एक तरीके से सीधा सा एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस ही कहा जाता है। ठीक है भाई, कोई भी आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो ठीक है, तो उसका जो नाउन प्रोनाउन लिखोगे उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हम उसको कह देते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो वो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इन सबके साथ में आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये इंग्लिश के कॉमन यूज होने वाले केसेस हैं, मैं इनको एक बार फिर से समझा देता हूं। नॉमिनेटिव केस तब हम कहते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का, या नॉमिनेटिव केस किसी नाउन या प्रोनाउन का वो होता है जिसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं। अक्विजिटिव केस ऑब्जेक्टिव केस नाउन या प्रोनाउन का वो केस होता है जिसमें वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जेनेटिव केस जो होता है वो पजेसिव केस होता है। जनरली नाउन से प्रोनाउंस को जब हम पजेसिव केस में लिखते हैं तो अपोस्ट्रॉफी के साथ लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा कमल्स, ठीक है, एवरीबडीज। हालांकि इसका भी इंग्लिश में एक सब्स्टिट्यूट प्रिपरेशन होती है ऑफ, ऑफ की मदद से हम इसको भी हटा के मतलब ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लें ऑफ के साथ, तो वो जेनेटिव केस का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, वोकेटिव केस होता है एड्रेस, संबोधन, एड्रेस संबोधन। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ऐसे। अपोजिटिव केस जो होता है इस, ये एक ऐसा नाउन होता है या नाउन फ्रेज होती है जिसको हम किसी नाउन को रेफर करने के लिए एज अ आइडेंटिफिकेशन उसके साथ में लिख देते हैं। जैसे कि मैं फिर से एक एग्जांपल से समझा देता हूं, माय फादर, ठीक है, अ स्कूल टीचर, नेवर टेल्स लाइज। तो ये जो स्कूल टीचर हमने लिखा है ना वो फादर को रेफर करने के लिए, तो जब हम किसी नाउन या नाउन फ्रेज को या नाउन क्लॉज को किसी नाउन को या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं ना, तो वो इसका अपोजिटिव केस होता है। तो हालांकि मुझे देखता हूँ कितना टाइम हो गया, 11 बजने वाले हैं, ठीक है, 10:59 हो गया, 10:59 हो गया। तो ये जो हमने आज केसेस डिस्कस किए ना, ये केवल मैं इनका तुम्हें इंट्रोडक्शन देना चाहता था। अगर ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया ठीक है, तो अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा तो केसेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पहले लिखूंगा, फिर तुम लोगों से कमेंट करवाऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में इनके यूजेस की, मतलब इन, ये हमने क्यों सीखा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि केवल मैं अपना टेशन दिखाना रहा हूँ या तुम्हारा टाइम खराब करवाना रहा होगा, रात के 10 बजे अपना टाइम खराब करने तो नहीं आऊंगा 11 बजे तक, ठीक है। तो एक पर्पज है जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीजें तुम्हें समझाई हैं। तो अब क्या करना है, तुम्हें इस वीडियो को बार बार देखकर यह समझना है कि नॉमिनेटिव केस, एक्विजिटिव केस, जेनेटिव केस, वोकेटिव केस, अपोजिटिव केस, डेटिव केस, अब्लेटिव केस, लोकेटिव केस, इंस्ट्रूमेंटल केस, ये क्या है, ठीक है, क्या क्या हमने आज डिस्कस किया, जाना सीखा समझा। अगर तुम्हारा कोई डाउट वाउट कुछ भी रह गया हो ठीक है, तो उसको क्या करोगे, इस वीडियो के कमेंट्स में, ये लाइव कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाता मैं, ठीक है, अभी जब वीडियो सेव वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद कमेंट में लिखना, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स जो आज केसेस से रिलेटेड है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करके, फिर जो मुझे पूछना है इनसे रिलेटेड है, जो सिखाना है केसेस से रिलेटेड यूजर्स जो है हमारे एग्जाम में या इंग्लिश के प्रैक्टिकल यूजर्स में जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और बता देता हूं जो हमने इतनी बातें डिस्कस ही की हैं। ये जो हमने केसेस लिखे हैं ना सारे, इनमें से अपोजिटिव तो खैर इंग्लिश में यूज होता है ठीक है, अगर हम छोड़ दें तो ये जो अपोजिटिव है, वोकेटिव है और जेनेटिव है, इन तीनों को छोड़ दें तो ये बाकी बचे जितने केसेस होते हैं ना, इनको संस्कृत में कहा जाता है कारक, कारक, कारक का मतलब तुम समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा देता हूं। कार्य वर्ड का मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है वर्ब। तो ये जो नाउन्स होते हैं, मतलब ये जो केसेस ऑफ नाउन्स होते हैं, नॉमिनेटिव है, अकोजिटिव है ठीक है, डेटिव है, अब्लेटिव है, लोकेटिव है, इंस्ट्रूमेंटल है, दीज आर रिलेटेड टू नाउन ठीक है, नाउन बता रहा हूं, एक्शन वर्ब। तो ये जो यूजेस ऑफ नाउन होते हैं, नॉमिनेटिव, अक्विजिटिव, डेटिव, अब्लेटिव, लोकेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, ये जो केसेस नाउन्स के होते हैं ये रिलेटेड टू वर्ब होते हैं। ये वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है, ये वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है, ये शो कर रहा है किसी चीज का किसी चीज से अलग होना ठीक है। अब्लेटिव केस ये शो कर रहा है कि किसी चीज से कोई चीज अलग हो गई, तो जिससे अलग हो गई वो नाउन अब्लेटिव केस में, तो ये भी एक्शन के रेस्पेक्ट में यूज किया जाता है। लोकेटिव केस कोई चीज कहाँ है, कहाँ पे किया गया ठीक है, समय में, स्पेस में, टाइम में उसकी लोकेशन डिस्क्राइब करता है। इंस्ट्रूमेंटल होता है, ये बताता है कोई काम कैसे किया गया, कैसे नहीं किया गया। तो ये जो सिक्स हैं,
नॉमिनेटिव, अक्विजिटिव, डेटिव, अबलेटिव, लोकेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, इनको, इन जो नाउंस इस केस में यूज किए जाते हैं वो कारक कहे जाते हैं संस्कृत में, ठीक है। कारक का मतलब होता है जो वर्क से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है, इनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। जेनेटिव केस जो होता है ना वो किसी नाउन को ही रेफर करता है, जैसे हमने लिखा कमल्स फादर, तो इस कमल्स का फादर से लेना देना है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। वर्ब का जो लेना देना होगा वो इस फादर से होगा, ठीक है। तो ये जो पजेसिव केस के नाउंस होते हैं इनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। वोकेटिव केस का भी कोई लेना देना नहीं होता, जैसे हमने कहा मोहन डोंट मेक अ नॉइज, तो मोहन जो है वो एड्रेस है, वर्ब से उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अपोजिटिव केस जो होता है उसका भी वर्ब से लेना देना कुछ नहीं होता, जैसे ये माय स्कूल टीचर है, तो इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका लेना देना है माय फादर से, और माय फादर का वर्ब से लेना देना है। ये जो लास्ट में दो तीन चीजें बताई ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगली क्लासेज में आके यूजेस डिस्कस करूंगा ना, ये जो क्वेश्चन पूछूंगा उनमें इनकी जरूरत पड़ेगी, समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं बस, आज की क्लास हुई, केसेस हमने डिस्कस किए। फिर से एक बार याद दिला देता हूं, जो भी तुम लोगों के डाउट्स रह गए हों केसेस से रिलेटेड, इधर उधर के मैं डिस्कस नहीं करता, कुछ लोग अपने टाइप मारे जा रहे हैं वो नहीं होने जा रहा डिस्कस यहां पे कुछ, ठीक है। तो जो भी आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई भी चीज लगता है तुम्हें नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन रह गया, तो जब भी वीडियो सेव हो जाएगा तो बाद में कमेंट करना, फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम उसके नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो वो तुम्हारे कमेंट्स वगैरह जो लॉजिकल होंगे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो मुझे समझाना है, सिखाना है, या जो पूछना है तुमसे केसेस से रिलेटेड, फिर अगली क्लास में आके पूछूंगा, ठीक है। फिर नाउन ऐसे केस वगैरह खत्म हो जाएगा तो नाउन के अगले एट्रीब्यूट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल में सभी को राम राम, गुड बाय, गुड नाइट, सो जाके, और मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी, और ये स्ट्रीमिंग में स्टॉप करता हूँ।